ये चीज़ को मैं लेके ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि कंट्री में आईपीएस आईएएस हर साल में निकलता है और हमारे स्टेट में एपीसीएस निकलता है, लेकिन जो एपीसीएस है कंट्री को रिप्रेजेंट किया है अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट तरफ से जीरो असिस्टेंट। ऐसे पेरेंट्स आपको क्या क्या सफर और जहाँ पे अभी ये दूसरा कंट्री में गया है हमारा जो रिलेटिव है जो जान पहचान है कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन किया है वहाँ पे जाने के लिए, और अपना इक्विपमेंट को तो अपने से खुद से ही करना पड़ रहा है। तो बीइंग ए पेरेंट्स जैसे कि हमारा अरुणाचल में एक रहता है कि जो अपना बच्चा है वो एकेडमी में ही जाना है, उसको पर्सन को वो इग्नोर करते हैं, तो उसको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उनका? नहीं, अभी के समय फिलहाल आप आगे में वही एक बात रखा है कि एपीसीएस जो आईएएस जो करता है एपीसीएस जो पास करता है वो एक देखो अभी तुम दो मेडल लेकर आए और यंगेस्ट कराटे का प्लेयर भी है स्टेट का, तो अभी कितना खुशी है उसको बताइए आप? अभी तो बहुत खुशी है। और बताओ कैसे था आपका मैच वहाँ में, उसका एक्सपीरियंस बताओ थाईलैंड में? आपका जो आप जिस प्रकार कम्पीट किया है ना, आपको लगा था कि आप उनको कम्पीट करके आप उनको जीत के आप गोल्ड मेडल ला पाएंगे, आपको लगा था स्टार्टिंग में? मम्मी और पापा के लिए क्या बोलना चाहेंगे बताओ? दोनों इतना तकलीफ के ना तुमको वहाँ ले जाने में और मेडल भी लेकर आए, बताओ? बोलो बोलो, चलो बताओ कुछ नहीं अपना स्टाइल में बोलो। हाँ चलो क्योंकि आपने देखा इसका एडिट का फादर जो बताया उसमें डिफिकल्टीज कितना सामना है, तो वापस तो अरुणाचल में आप मेरा एक अपील है गवर्नमेंट से क्योंकि आप तो नेपोटिज्म है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी यहाँ नेपोटिज्म है, जैसे कि आपका किसी बड़ा आदमी का बच्चा या बहन या बंजा बंजी होने से हर कोई और कली से गवर्नमेंट की तरफ से फेलिसिटेशन का रूप में अवार्ड केस काइन वगैरह वगैरह देता है, लेकिन जिसका पास पावर नहीं है पोजीशन नहीं है उनको अनदेखा करता है। तो मैं आज का दिन में आपका मीडिया ये अपील करना चाहता हूँ कि आप नेपोटिज्म नहीं होते, कोई भी स्पोर्ट्स ये होता है और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए किसी को आप बायस नहीं करना है और गरीब को अमीर को नहीं देखना है, सबको जो टैलेंट है हिडन टैलेंट को आप छोटा भाई इसको शायद दुनियादारी का बारे नॉलेज भी नहीं है, ही इज स्केलिंग द हाइट जो मतलब कोई और कंट्री अभी तक नहीं किया है, तो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एज ए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ऑल रीलम रिया यूथ एसोसिएशन आई लाइक टू एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, मेरा जो ग्रेटिट्यूड है जो खुशी है वो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हैविंग सेड सो हम ये भी बोलना चाहता है अपील करना चाहता है सिंस स्टेट को अभी एक यंग चीफ मिनिस्टर चला रहा है और रिसेंटली उसने अपना ऑफिशियल पेज में अपना रिगुरिया द गोल्डन बॉय को वहाँ में पब्लिश भी किया है, वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, पर ये अपील करता है कि स्टेट को स्पोर्ट फैक्टर को सिर्फ पेपर में नहीं पॉलिसी में नहीं इसको इम्प्लीमेंटेशन में भी ध्यान दो, क्योंकि ऐसे स्टेट अरुणाचल ऐसे लॉट ऑफ पोटेंशियल यूथ्स हु आर वेरी गुड इन रेस्पेक्टिव फील्ड्स, मतलब स्पोर्ट में बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या हो जाता है यहाँ में मतलब माहौल नहीं मिलने का कारण से दे आर लिमिटेड इनसाइड स्टेट, स्टेट में ही घूम फिर के यही में मतलब मिडिल क्लास का लाइफ जीना पड़ता है, और अगर कहीं ना कहीं आजकल अगर बाहर का दुनिया को बोलने से जो रेसिज्म है जो हम लोग का आइडेंटिटी क्राइसिस है जो मंगोलियन फीचर्स का कारण से जो हम लोग को बाहर में फेस करना पड़ता है, इट्स ऑल बिकॉज हम लोग का यहाँ से बाहर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ये इंटरनेशनल जैसे लेवल में दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि नेशनल लेवल में ऐसे मेडल लाया है, तो इसको टेकिंग दिस प्रिविलेज
स्टेट गवर्नमेंट को हम ये अपील करता है कि इस मोमेंट को, इस मौका को, इस प्लेटफॉर्म को लेके जितना सकेगा उतना बाहर में एक्सपोजर करो, स्पोर्ट पर्सन को भी एनवायरमेंट दो और ऐसे जनरल हम लोग आइडेंटिटी को भी बाहर में एक्सपोज करो, सो दैट इन द लॉन्ग रन कोई ये ना बोले कि चिंकी चाइनीज, बिकॉज ये मिस एक्सपोजर का कारण से ही है। तो सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो भी आया है, न्यूज़ पर्सनल्स ना, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो पेज एज में डाल दिया है उसको ये करता है, थैंकफुल कहता है, और आपसे ये पॉजिटिवली उम्मीद करता है कि आगे में भी यही सपोर्ट रहेगा ना। सर, आज उन्होंने स्टेट को रिप्रेजेंट करके आए।